गुमनाम हो रहा कंदाहा का प्राचीन सूर्य मंदिर। मंदिर में मेष राशि के साथ सूर्य की प्रतिमा है स्थापित। मंदिर में अष्टभुजी गणेश है विराजमान। सूर्य की दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया की प्रतिमा भी यहां है मौजूद। भगवान श्री कृष्ण के बेटे ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। भारत में मंदिरों का खास महत्व है। आपको देश हो चाहे राज्य, मंदिर हर जगह मिलेंगे, लेकिन कई मंदिर ऐसे हैं जो गुम होने की कगार पर आ गए हैं। उन्हीं में से एक है सहरसा जिले के कंदाहा में स्थित सूर्य मंदिर, जो कि आज सरकारी उपेक्षा और प्रशासनिक उदासीनता का दंश छेल छेल कर गुमनामी के गुप्त अंधेरे में गुम होने के कगार पर है। माना जाता है कि इस मंदिर को श्री कृष्ण के बेटे सांभाय ने बनवाया था। इस मंदिर में राशियों में पृथक मेष राशि के साथ सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। मान्यता है कि बैसाख महीने में जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की पहली किरण इसी सूर्य प्रतिमा और उनके रथ पर पड़ती है। इस मंदिर में सभी 12 राशियों की कलाकृति के साथ साथ सूर्य यंत्र भी यहां मौजूद है। यही नहीं, इस मंदिर में अष्टभुजी गणेश भी विराजमान है, जो शायद ही कहीं किसी मंदिर में देखने को मिलेंगे। शिव की अद्भुत प्रतिमा के अलावा सूर्य की दोनों पत्नियां संज्ञा और छाया की प्रतिमा भी यहां मौजूद है। लेकिन तमाम श्रेष्ठता और खासियत के बाद भी इस मंदिर की ख्याति कोणार्क या फिर देव के सूर्य मंदिर की तरह नहीं है। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि इस मंदिर को जहां आज पर्यटन के मानचित्र पर बुलंदी से खड़ा होना चाहिए था, वो आज गुमनामी का दंश झेल रहा है। यहां बस उदासी और वीरानगी छाई हुई है। हमसे पंगा मत ले। सर, ग्रामीण का जो माहौल रहता है वही लोग आता है यहाँ छठ करने के लिए। नहीं पोखर है यहाँ कोई तरह का, नहीं कोई तरह का व्यवस्था है। रोड इतना गंदा है, जो एक बार श्रद्धालु आते हैं वो दूसरा बार नहीं आते हैं। कोई खास नहीं रहता, जैसे लोग छठ घाट पर मनाते हैं वैसा कोई यहाँ नहीं मनाते हैं। जैसे उड़ी देव में लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ मनाते हैं सर, लेकिन यहाँ वैसा कोई भी नहीं, कोई आने लायक भी नहीं रहते हैं। न को तालाब है, न पोखर है सामने है, और न रोड का वैसा है दुर्दशा, गंदा इतना है जो कोई भी आने लायक नहीं रहता है, न के बराबर यहाँ आते हैं श्रद्धालु। बता दें कि सहरसा जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पश्चिम और उत्तर दिशा में महिषी प्रखंड अंतर्गत कंदाहा ग्राम में बना है। करीब 3,500 की आबादी वाले इस गांव में अधिकांश जनसंख्या मल्लाह जाति की है। अत्यंत पिछड़े और गरीबी की मार झेल रहे इस गांव में बना ये सूर्य मंदिर आज तक देश के पर्यटन के नक्शे पर नहीं आ सका। करीब 7 कट्टे के भूखंड पर इस मंदिर का पूरा परिसर है। अष्ट धातु के इस सूर्य प्रतिमा से लगता है कि विशेष आभा टपक रही है। सूर्य की प्रतिमा के ठीक ऊपर मेष राशि मौजूद है। कुल 12 राशियां सूर्य की प्रतिमा को घेरा बनाकर यहाँ मौजूद है। बगल में अष्टभुजी गणेश है तो सामने सूर्य यंत्र रखा हुआ है। देवों के देव महादेव भी यहाँ सूर्य के दोनों तरफ विराजमान हैं। सूर्य की दोनों पत्नी संज्ञा और छाया भी यहाँ पर हैं। सूर्य के रथ और रथ में जुटे 7 घोड़े भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। इस मंदिर के जानकार और इतिहास में अभिरुचि रखने वाले इलाके के सुधी लोग बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1453 ईस्वी में हुआ है। हालांकि कंदाहा में सूर्य की प्रतिमा को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र सांभाय ने स्थापित किया था। माना जाता है कि सांभू ने 12 राशियों में अलग अलग 12 जगह सूर्य की प्रतिमा की स्थापना की थी, जिसमें से कंदाहा भी एक है। ये मंदिर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अति विशिष्ट और यहाँ की कलाकृतियाँ अद्वितीय है। लेकिन विडम्बना देखिए कि तमाम गुणों से संपन्न ये मंदिर आज खस्ताहाल है। लोग मंदिर की इस दुर्दशा के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन को कोस रहे हैं। देश के 3 सूर्य मंदिरों में, अभी तक के 3 सूर्य मंदिरों में कोणार्क और देव उद्योगपतियों की नज़र में भी विशिष्ट हैं और सरकार की नज़र पर भी विशिष्ट है, और वहाँ पर सरकार और उद्योगपति काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और काफ़ी पर्यटकों का अभिरुचि भी वहाँ जगह है और काफ़ी भीड़ वहाँ लगती है। जबकि कोणार्क और देव से विशिष्ट मूर्ति यहाँ है और यहाँ
पर किसी की ना सरकारी तंत्र की दृष्टि है और ना ही किसी उद्योगपति की दृष्टि पड़ रही है। इसमें कहीं ना कहीं दोहरापन अपनाया जा रहा है, दोहरा मापदंड है। उत्तर बिहार में जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, उत्तर बिहार के एक भी ऐतिहासिक स्थल पर सरकार की दृष्टि नहीं जा रही है, उसका उत्खनन नहीं हो रहा, उसका समुचित विकास नहीं किया। लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में तालाब और पोखर नहीं है, चापाकाल और लोगों को ठहरने के लिए धर्मशाला या कोई भी व्यवस्था नहीं है। वे लोग घाटों पर ही छठ पर्व मनाते हैं और वहां पर सूर्य को अर्घ देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। छठ व्रत हम सब बहुत श्रद्धा से मनाबे छी तो जैठम हमरा सबके तालाब के सुविधा मिले ततो जाकर हम सब अपन अर्घ दे छी। हम सब एतेक सौभाग्य हमर सबक या जे गांव में सूर्य भगवान या तैठम एकटा पोखर के कमी में तालाब के कमी में हुनकर पूजा नहीं कर सके छी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि तमाम गुण संपन्न ये मंदिर बुरी तरह से उपेक्षित है। अगर सफेद दाग हो या चर्म रोग हो तो उस व्यक्ति को कुएं पर स्नान कराने से, सूर्य भगवान का चरणामृत पिलाने से उसका चर्म रोग या सफेद दाग ठीक हो जाता है। सर यही का सर जल और बाबा के नीर के सेवन से चर्म रोग जो होता है, सफेद दाग, घेघापन या कोई भी असाध्य रोग रहते हैं, वही निवारण हो जाते हैं। 85 में सर ग्रामीण के सहयोग से खुदाई में सर मिला। इसमें अभी भी बहुत ज्यादा पत्थर है और प्राचीन मंदिर की मूर्तियां सब इसमें अभी भी। ऐसी मान्यता है कि जो सच्चे मन से मनोकामना लेकर सूर्य देवता के पास आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब देखना ये है कि आखिर कब सरकार गुमनाम होते इस मंदिर की ओर ध्यान देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।